मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की चर्चा का विषय है वेस्ट बंगाल सर्कल में बीए का एग्जाम जो कि 2022 में हुआ है उसके सॉल्यूशन को आज हम लोग करेंगे। और आज का जो पहला प्रश्न है वो है रिक्वेस्ट फॉर रिकॉल ऑफ इनवर्ड फॉरन आर्टिकल फ्रॉम अ फॉरन सेंडर विल बी रिसीव्ड इन द एक विदेशी प्रेषक के द्वारा, यानी कि एक फॉरन सेंडर के द्वारा एक आर्टिकल से संबंधित जो कि इनवर्ड फॉरन आर्टिकल है रिकॉल की रिक्वेस्ट की जाती है, तो वो जो रिक्वेस्ट है रिकॉल की उस आर्टिकल को द्वारा प्राप्त करने की वो कहाँ पर रिसीव होती है या वो किसको देनी होती है ये पूछा गया है। तो ऐसी जो रिक्वेस्ट हैं वो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में देनी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है कि APPU वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1962 विद इट्स हेडक्वार्टर्स एट्स। APPU की स्थापना 1962 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित थे ये पूछा गया है। तो 1962 में जब APPU की स्थापना की गई थी उस समय पर हेडक्वार्टर्स मनीला में होंगे ये डिसाइड किया गया था, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है कि इफ अ पार्सल मेल आर्टिकल इज रिसीव्ड मिसेंट अ नोट ऑफ द इरेगुलरिटी शुड बी मेड ऑन द विद विच इट वॉज रिसीव्ड। बेसिकली ये पूछा गया है कि अगर कोई पार्सल का कोई आर्टिकल मिसेंट निकलता है तो उस केस में जो इरेगुलरिटीज है या जो अनियमितता है ये वो कहाँ पर नोट करनी चाहिए या किस लिस्ट में हम लोगों को नोट करनी चाहिए ये पूछा गया है। बेसिकली जो मिसेंट पार्सल मेल का आर्टिकल अगर कोई रिसीव होता है तो इस इरेगुलरिटी को पार्सल की लिस्ट में नोट किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है कि NCRC ऑपरेशन द डिटेल्स ऑफ सर्विस और टाइप ऑफ आर्टिकल्स दैट आर हैंडल्ड इन द CRC इज अवेलेबल इन। CRC के संचालन में CRC में की जाने वाली सेवाओं वस्तुओं के प्रकार का विवरण किसमें उपलब्ध होता है ये पूछा गया है। तो ऐसे जो ऑपरेशन हैं CRC के या ये जो रिकॉर्ड है या ये जो डिटेल्स हैं वो सर्विस मास्टर के कॉलम में लिखी जाती हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच में पूछा गया है कि एक्सेप्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जनरल और हेड ऑफ द सर्किल अ मेल ऑफिस मे नॉट। महानिदेशक या सर्किल प्रधान के प्राधिकार के बिना मेल कार्यालय निम्न में से क्या नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर एक में है रिडायरेक्ट एनी आर्टिकल, बिल्कुल सही है। हेड ऑफ द सर्किल और DG की परमिशन के बिना कोई भी मेल ऑफिस किसी भी आर्टिकल को रिडायरेक्ट नहीं कर सकती है, इंटरसेप्ट एनी आर्टिकल नहीं कर सकती है और उसके साथ साथ डिलीवर एनी आर्टिकल टू द एड्रेस ये सारे काम हैं वो नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छः में पूछा गया है कि इन PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम्स 2021 अकाउंट इनिशियल डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड ओनली फ्रॉम, यानी कि जो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 है उसमें जो पहला ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट का वो कौन करता है या उसमें जो पैसे हैं वो कहाँ से डिपॉजिट किए जाते हैं ये पूछा गया है। तो इसमें जो अमाउंट है वो PM केयर फंड से डाला जाता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सात में पूछा गया है TDS exemptions इज एप्लीकेबल टू अ SCSS अकाउंट होल्डर ओनली इफ द अकाउंट सीडेड विद एक SCSS खाते पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के खाते पर TDS में छूट दी जाती है कब, जब अकाउंट होल्डर निम्न में से कौन से फॉर्म सबमिट करता है। तो जो लोग 15Z और 15H फॉर्म को सीड करते हैं अपने SCSS अकाउंट में उनको TDS से छूट दी जाती है और जिनका TDS कट जाता है वो बाद में 15G या 15H का फॉर्म लगा करके TDS को वापस ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट में पूछा गया है कि डाकघर में MS-94 क्या है। MS-94 इन पोस्ट ऑफिस इज, तो डाकघर में MS-94 में कंप्लेंट्स एंड सजेशंस बुक के रिकॉर्ड को रखा जाता है, यानी कि जो कंप्लेंट एंड सजेशंस बुक है वो MS-94 फॉर्म या फॉर्मेट में रखी जाती है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नौ में पूछा गया है कि आर्टिकल कंटेनिंग कस्टम ड्यूटी पेबल आइटम्स इज असेस्ड टू ड्यूटी बाई द, कि सीमा शुल्क दे वस्तुओं से युक्त वस्तुओं का मूल्यांकन कौन करता है। तो कस्टम अथॉरिटीज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि ईयरली विलेज रिटेंशन बिल बी टेकन ड्यूरिंग द फर्स्ट 14 डेज ऑफ द मंथ ऑफ इन विच ईयर इन ईच ईयर, यानी कि जो ईयरली विलेज रिटर्न्स है वो प्रत्येक साल के किस महीने के फर्स्ट 14 डेज में ली जाती है। तो प्रत्येक वर्ष के फरवरी के जो 14 डेज होते हैं उनमें ईयरली विलेज रिटर्न्स ली जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी होगा सही, मार्च के महीने में ली जाती है, फरवरी में नहीं ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि मैक्सिमम सम अश्योर्ड इन आरपीएलआई चिल्ड्रन पॉलिसी, आरपीएलआई की जो चिल्ड्रन पॉलिसी होती है उसका मैक्सिमम सम अश्योर्ड कितना होता है। उसके लिए जो सम अश्योर्ड होता है मैक्सिमम वो होता है 1,00,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। वहीं पीएलआई की चिल्ड्रन पॉलिसी में मैक्सिमम सम अश्योर्ड 3,00,000 रुपये का होता है, आरपीएलआई के केस में 1,00,000 रुपये होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है अ ग्राम प्रिय पॉलिसी आरपीएलआई पॉलिसी विल मैच्योर इन, आरपीएलआई में एक पॉलिसी होती है ग्राम प्रिय, ये कितने समय के लिए होती है या इसकी परफेक्टता की समय पीरियड क्या है ये पूछा गया है। तो मैच्योरिटी पीरियड होता है इसके लिए 10 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि सुरक्षा पीएलआई पॉलिसी होल्डर कैन अवेल ऑल फैसिलिटी आफ्टर, पीएलआई पॉलिसी में एक सुरक्षा पॉलिसी होती है और उस पर लोन के लिए फैसिलिटी कब उपलब्ध करवाई जाती है यह पूछा गया है। तो जो सुरक्षा पॉलिसी होती है उस पर जो लोन फैसिलिटी है वो पॉलिसी को 4 साल कंप्लीट होने के बाद में आप लोन ले सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि फॉर आ लोकल डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल वेटिंग 30 ग्राम व्हाट विल बी द टैरिफ रेट, यहाँ पर हिंदी में 30 किलोग्राम लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये जो ऑप्शंस है वो 30 ग्राम है, यहाँ पर 30 ग्राम होना चाहिए, 30 kg नहीं होना चाहिए था। तो लोकल डायरेक्ट पोस्ट के जो आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए जो फर्स्ट 20 ग्राम होता है उसके लिए लिया जाता है 1.50 रुपये, यानी कि 1.5 रुपये, प्लस जो नेक्स्ट 20 ग्राम या उसका कोई पार्ट होता है उसके लिए लिया जाता है 1 रुपये। तो फर्स्ट 20 के लिए लिया जाएगा 1.5 रुपये और नेक्स्ट 10 ग्राम के लिए कितना लिया जाएगा 1 रुपये, तो 1.5 + 1 = 2.5 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि इन आईएमपी सर्विसेज इन पोस्ट ऑफिसेज द फॉलोइंग आर अलाउड, यानी कि जो आईएमटी सर्विसेज हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज जो है पोस्ट ऑफिस में उसमें कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है या निम्नलिखित में से कौन सी अनुमति है ये पूछा गया है। तो आईएमटी सर्विसेज में इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस रिसीव करने की परमिशन दी गई है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग अ पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट एज, के पोस्ट ऑफिस का कोई टाइम डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट खुलवाना है किसी को टीडी अकाउंट खुलवाना है पोस्ट ऑफिस में, उसके लिए मिनिमम अमाउंट की कितने की जरूरत होती है ये पूछा गया है। तो मिनिमम 1,000 रुपये से टीडी अकाउंट खोले जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि टोटल फेस वैल्यू ऑफ स्टैम्प्स अवेलेबल इन वन माई स्टैम्प सीट इज, माई स्टैम्प सीट में उपलब्ध डाक टिकट का कुल अंकित मूल्य कितना होता है ये पूछा गया है। तो एक माई स्टैम्प्स की जो सीट है वो 300 रुपये की होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया व्हाट इज पीबीई इन एक्सपोर्ट ऑफ कमर्शियल आइटम थ्रू पोस्टल चैनल, कमर्शियल आइटम जो कि पोस्टल चैनल के माध्यम से एक्सपोर्ट करने है किसी को, तो उस केस में पीबीई का पूरा नाम क्या है ये पूछा गया है। तो पीबीई की फुल फॉर्म होती है पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि एन इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट कैन बी बुक्ड अप टू अ मैक्सिमम वेट ऑफ, अधिकतम कितने वजन तक का एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट को बुक किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट के लिए जो मैक्सिमम वेट लिमिट होता है वो होता है 2 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि मैक्सिमम वेट अप टू विच अ बिजनेस पार्सल कैन बी बुक्ड इज, अधिकतम कितने वजन का एक व्यवसाय पार्सल बुक किया जा सकता है। तो बिजनेस पार्सल मैक्सिमम 35 kg का बुक किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि द डिजास्टर रिकवरी सेंटर DRC इज लोकेटेड एट, DRC है वो कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है।
तो डीआरसी की लोकेशन है सेप्ट मैसूर में, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और डीआरसी की स्थापना 15 मई 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल ईएसएस पोर्टल इज अ पार्ट ऑफ, ईएसएस पोर्टल जो होता है एम्प्लॉय का जो पोर्टल होता है वो किसका पार्ट है, ये पूछा गया है। तो वो सीएसआई कोर सिस्टम इंटीग्रेटर सॉल्यूशन का पार्ट होता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, जो सीएसआई है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, जो सीआईएस है, जो सीआईएस है कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करवाता है। तो सीएसआई सीआईएस कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है पेमेंट ऑफ पीएलआई आरपीएलआई प्रीमियम एट एनी पोस्ट ऑफिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि आईटी प्रोजेक्ट 2.0 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द ईयर फॉर द पीरियड, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का जो 2.0 प्रोजेक्ट है या आईटी प्रोजेक्ट 2.0 जिसे हम लोग आजकल बोल रहे हैं उसकी पीरियड कितना है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये पूछा गया है। तो एक्चुअली इसकी जो लेंथ है वो 8 साल की है और ये 2022 से लेकर के 2030 तक चलने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1.0 वाज अप्रूव्ड इन द ईयर, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 1.0 का अनुमोदन किस वर्ष में हुआ था। तो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का जो अप्रूव्ड ईयर है वो है 2012 नवंबर 2012, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि द पीओएसवी फंक्शंस एट द पोस्ट ऑफिसेस आर कैरिड आउट एन, जो पीओएसवी पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक के जो फंक्शंस हैं वो सीबीएस पोस्ट ऑफिस में किस एप्लीकेशन में होते हैं, ये पूछा गया है। तो ये फिनेकल में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि द डिलीवरी ऑपरेशंस एट द डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेस आर कैरिड आउट इन, विभागीय डाकघरों में वितरण प्रचारण किसमें किया जाता है। तो डिलीवरी से संबंधित डाक की डिलीवरी या डाक पोस्टमैन को रिसीव देने को या उनकी डिलीवरी लगाने के लिए जो मॉड्यूल है वो डीपीएमएस मॉड्यूल है, ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। वहीं डिस्पैच के लिए जो मॉड्यूल है वो आईपीवीएस मॉड्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ दर्पण प्रोजेक्ट इज टू, दर्पण परियोजना का उद्देश्य क्या है, यह पूछा गया है। तो दर्पण प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो है इंडक्ट टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइज ऑल बीओज, यानी कि ब्रांच ऑफिसेस को प्रौद्योगिकी को शामिल करना और शाखा डाकघरों को आधुनिकीकरण करने का जो काम है वो दर्पण प्रोजेक्ट का है, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि सीईपीटी स्टैंड फॉर, सीईपीटी का तात्पर्य क्या है। तो सीईपीटी की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि द रियल टाइम डिलीवरी इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, रियल टाइम डिलीवरी की इंफॉर्मेशन यानी कि किसी डाक का जो रियल टाइम डिलीवरी है वो कहां से पता चलता है, तो वो पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन से चलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि द फॉरेन ब्रेल लिटरेचर आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन हाउ मेनी वेट, एक विदेशी नेत्रहीन साहित्य का वजन मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 7 किलोग्राम तक हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि फॉर अ फॉरेन आर्टिकल कंटेनिंग एक्सपोर्ट आइटम विच आर मोर देन 100 ईयर ओल्ड रिक्वायर्ड एंटीक्विटी क्लियरेंस फ्रॉम विच डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसमिशन, तो इसके लिए जो क्लियरेंस है वो कस्टम डिपार्टमेंट से होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि द जनरल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर अ फॉरेन पार्सल इज इन किलोग्राम, यानी कि सामान्यतः विदेशी पार्सल के लिए मैक्सिमम वेट लिमिट कितनी होती है, तो सामान्यतः 20 किलोग्राम होती है फॉरेन पार्सल के लिए मैक्सिमम वेट की लिमिट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इन फॉरेन आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 34, इन फॉरेन आर्टिकल्स इज द टर्म यूज फॉर एक्नोलेजमेंट एज यूज इन इनलैंड पोस्ट, विदेशी वस्तुओं में पावती के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जैसा कि
अंतरदेशीय डाकों में उपयोग किया गया है। बेसिकली ये पूछा गया है कि इनलैंड पोस्ट में एक शब्द यूज करते हैं हम लोग एक्नॉलेजमेंट, वहीं फॉरेन आर्टिकल में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो एक्नॉलेजमेंट के लिए फॉरेन पार्सल्स में जो शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है एवेस डे रिसेप्शन या एडवाइस ऑफ डिलीवरी, दोनों ही वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, ए एंड बी अबव। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि अ फॉरेन आर्टिकल सब्सक्राइब्ड एज विल कंटेन ब्लेंड लिटरेचर, यानी कि एक ऐसा कौन सा वर्ड है निम्नलिखित में से, ऐसा कौन सा वर्ड है या ऐसा कौन सा सब्सक्राइब्ड है जो ये दर्शाता है कि ये जो आर्टिकल है वो ब्लेंड लिटरेचर पैकेट का है। तो बेसिकली ब्लेंड लिटरेचर पैकेट्स पर सीसोग्राम शब्द भी लिखा होता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि इन फॉरेन पोस्ट विच सिस्टम इज इन प्लेस फॉर डिस्पैच और रिसीप्ट ऑफ स्पेशल बैग ऑफ प्रिंटेड पेपर्स टू फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन पोस्ट में ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे ये पता चलता है कि प्रिंटेड पेपर्स के जो स्पेशल बैग्स हैं उनका डिस्पैच और रिसीप्ट किया जा रहा है। तो इसके लिए जो सिस्टम है वो है बल्क बैग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया कि द मैन्युफैक्चर एंड द यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर एनी पर्पस इन द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड, किसी उद्देश्य के लिए फर्जी डाक टिकट का निर्माण एवं उसका प्रयोग भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो सेक्शन नंबर 263A 263A इंडियन पिनल कोड का ऑफेंस पनिशेबल बताता है कि कोई भी व्यक्ति अगर फर्जी डाक टिकट बनाता है किसी भी उद्देश्य से और उनको बेचता है तो उसे पनिशमेंट्स दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि कॉइन्स बुलियंस प्रीशियस स्टोन्स ज्वेलरी आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर एंड करेंसी और बैंक नोट्स कैन बी सेंट बाई, कॉइन्स बुलियंस प्रीशियस स्टोन्स ज्वेलरी आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड चाहे हो सिल्वर के या करेंसी नोट्स हो चाहे बैंक नोट्स हो हमेशा इंश्योर पोस्ट के माध्यम से ही भेजे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस, तो मशीन फ्रैंक के आर्टिकल्स को लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स बियरिंग द पोस्ट बॉक्स नंबर आर नॉट डिलीवर थ्रू पोस्ट बॉक्स, ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिनमें पोस्ट बॉक्स का नंबर है लेकिन वो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं भेजे जाते हैं या डिलीवर किए जाते हैं। तो पोस्टेज आर्टिकल्स जिन पर ऐसे आर्टिकल्स जिन पर पोस्टेज ड्यू होती है, पोस्टेज ड्यू आर्टिकल्स को पोस्ट बॉक्स के लिए अगर उनको भेजा जा रहा है तो उसे पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं डिलीवर किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया कि द सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इन अ बैग टू अ रेंटर दैट इज पोस्टल बैग फैसिलिटी इज अवेलेबल एट, बेसिकली ये पूछा गया है कि पोस्ट बैग की जो फैसिलिटी है वो किस किस पोस्ट ऑफिस में होती है। तो पोस्ट बैग की फैसिलिटी ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि आर्टिकल इज कैप्ट इन द पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 month, ऐसा कोई आर्टिकल जिसे 1 month से ज्यादा नहीं रोका जा सकता है उस पर ऐसा क्या एड्रेस होना चाहिए जिससे उस आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में 1 महीने से ज्यादा नहीं रोका जा सकता है। तो ऐसे आर्टिकल पर एड्रेस होता है पोस्ट रेस्टेंटे या न्यस्त डांक जैसे हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया कि कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू लॉस और डैमेज टू अ रजिस्टर्ड इंश्योर्ड आर्टिकल्स वेयर अ क्लेम फॉर कंपनसेशन इज मेड मस्ट बी मेड विद इन हाउ मेनी टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ द आर्टिकल, एक पंजीकृत या बीमित वस्तु के नुकसान या क्षतिपूर्ति के मुआवजे के लिए अगर कोई व्यक्ति दावा करना चाहता है तो उस संबंध में शिकायत वस्तु भेजने की शिकायतें करने के लिए आर्टिकल को भेजने के कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए ये पूछा गया है। तो ऐसी जो शिकायतें हैं वो आर्टिकल भेजने के 3 months में हम लोगों को कर लेनी चाहिए, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि ब्लेंड लिटरेचर पैकेट्स आर ट्रीटेड एज आर्टिकल्स ऑफ सेकेंड क्लास मेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि हु इज कॉम्पिटेंट टू परमिट बिजनेस रिप्लाई सर्विस, बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज को अनुमति कौन देता है, तो हेड ऑफ द डिविजन्स देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पष्ट के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया कि एन अनपेड आर्टिकल पोस्टेड एज बुक पैकेट फाउंड टू कंटेन अ पर्सनल कम्युनिकेशन विल बी चार्ज। एक बुक पैकेट का आर्टिकल जो कि अनपेड आर्टिकल है और जिसमें पर्सनल कम्युनिकेशंस भी है, तो ऐसे आर्टिकल पर क्या चार्ज किया जाता है ये पूछा गया है। तो ऐसे आर्टिकल्स पर लेटर की जो रेट्स हैं वो चार्ज की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया फैसिलिटी ट्रांसमिशंस ऑफ आर्टिकल अक्रॉस कंट्रीज, देश भर में वस्तुओं के पारेषण की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो यूपीयू यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक संस्था है, उसके अंतर्गत उसके अंडर में या उसके अंतर्गत जो कंट्रीज हैं वो एग्रीमेंट्स करती हैं और उसी के माध्यम से जो डाक हैं वो भेजी जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पष्ट के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है इफ अ सरफेस फॉरन आर्टिकल इज नॉट पेड बिफोर द डिडक्शन बाई एयर एंड रिक्वेस्ट फॉर इनलैंड एयर ट्रांसमिशन इट विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स इक्वल टू डिफरेंस इन पोस्टेज, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि अनडिलीवरेबल फॉरन मेल्स विल नॉर्मली बी रिटर्न बाई, ऐसी डाक जो कि डिलीवर नहीं होनी चाहिए या डिलीवर नहीं होती है फॉरेन कंट्रीज में, ऐसे फॉरेन आर्टिकल्स जो कि डिलीवर्ड नहीं होते हैं, ऐसे आर्टिकल्स को सामान्यतः किससे लौटाया जाता है, तो सामान्यतः उन्हें सरफेस से लौटाया जाता है बाई सरफेस, अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है तो बाई एयर भी ऐसे आर्टिकल्स को भेजा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पेस्ट करस्पॉन्डिंग टू विच सर्विस इन इनलैंड पोस्ट विद सम वेरिएशंस इन कंडीशंस, जैसा कि बताया गया है कि फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर्स होती है, वही इनलैंड पोस्ट में ऐसी कौन सी सर्विस है जो सेम टू सेम होती है लेकिन कुछ रूल्स उसमें चेंज होते हैं, तो फॉरेन पोस्ट में होती है प्रिंटेड पेपर, वही बात करें इनलैंड मेल्स की तो वहाँ पर बुक पैकेट की सर्विस होती है जो कि लगभग सेम होती है, उसमें कुछ कंडीशंस में ही बदलाव किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने वेस्ट बंगाल सर्कल के जो 50 क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल के पीए एग्जाम में जो पूछे गए थे 2022 में, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद।